Hey everyone, welcome back. Sorry, ये जो रीडिंग है वो बड़ी बड़ी डिमांडिंग है, विच इज़ थर्ड पार्टी. जो लोग कॉन्टैक्ट में हैं, जो लोग नहीं कॉन्टैक्ट में हैं, जो ब्लॉक हैं, जो अनब्लॉक हैं, जो मैरिड हैं और जो नॉन मैरिड हैं, जिन जिनके पार्टनर हैं, क्योंकि मैं सिंगल्स की लगा चुकी हूँ फ्राई से 999 पर. यू कैन एन्जॉय देयर, यू कैन सी देयर, यू कैन आप कुछ भी उसमें से सीख सकते हैं. कोई बहुत सारे मैसेजेस उसमें हैं. अब जो मैं मैस करने लगी हूँ, ये मैंने बता दिया है किसके लिए कर रही हूँ. लाइव आके रीडिंग करना बड़ा मुश्किल हो रहा है. मेरा कला माशाल्लाह, मेरे पास जो मैंने ऑफर्स लगाए उससे पहले भी मेरी बहुत प्राइवेट रीड्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बट इसके बाद तो डबल हो गई है. सो आई हैव टू सेव माई वॉइस फॉर दैन, वरना उनका क्या होगा. ठीक है, अपने अपने पर्सन को अपने माइंड में रहें, ताकि पॉजिटिव रखिएगा, ताकि कुछ बेहतर एनर्जी है. बेसिक थर्ड पार्टी पे बेसिक मैं ज़्यादा कोशिश करूँगी कि देखा जाए, और ना भी हो तो आपके पर्सन के ऊपर की जो एनर्जीज हैं, आई विल ट्राई टू एक्सप्रेस यू. ठीक है, हो सकता है कि मैं आपके लिए ज़रिया बन जाऊँ. सो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा जो रेजोनेट करे, वरना क्या कर सकते, मैं रीड बनाना छोड़ सकती हूँ. दैट्स इट, थैंक यू. थैंक यू एंजल्स, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू यूनिवर्स फॉर गिविंग मी दैट पावर, जो मैं लोगों की हेल्प कर रही हूँ जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते. वैसे मैंने 40% ऑफ लगाया हुआ है. थैंक यू. कलेक्टिव रीडिंग है, याद रखिएगा. 60% भी रेजोनेट करे, 40% भी करे, सो दैट्स मी. ओके, पहले मैं देखूँगी आपके लिए क्या फीलिंग्स हैं. कलेक्टिव क्या सोच रहे हैं वो आपके बारे में, आपके लव वंस. और आपके पर्सन आपसे ब्रेक लेना चाहते हैं, वो इतने केपेबल नहीं है कि आप इन्हें बात करें, या आप बात करें तो वो समझ पाएँ आपकी बात. वो अपने डिटैच रहना चाहते हैं आपसे. लाइफ उनकी काफ़ी डिस्टर्ब है जो आपको नहीं पता. आप समझ रहे हैं ही इज़ वेरी हैप्पी, दे आर वेरी हैप्पी, या शी इज़ वेरी हैप्पी. मिनी ब्रेकअप चल रहा है बेसिकली. थर्ड पार्टी थर्ड पार्टी के साथ हैं, बैलेंस नहीं कर पा रही बेसिकली आप में और उनमें. थर्ड पार्टी कुछ भी हो सकता है, पेरेंट्स भी हो सकते हैं, वाइफ भी हो सकती हैं, कुछ भी. इट्स अ जर्नल रीड, मैं रोमांटिक की बात नहीं कर रही. हर किसी हो सकता है, जिसको रेजोनेट करे वो ले ले, वरना बाकी सबके लिए छोड़ दें. बेसिकली कोई भी दो एनर्जीज को मैनेज नहीं कर पा रहे. बहुत सारे लोगों के पर्सन को चश्मे लगे हुए हैं, मेजोरिटी ना वो करियर पे ध्यान दे पा रहे हैं अपने, ना आप. इसी थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से उनकी फैमिली ने उनको कहीं और इंगेजमेंट करने के लिए या कोई और रिलेशन बनाने के लिए बहुत फोर्स कर रही हैं, बट वो नहीं बनाना चाह रहे. आपके जो पर्सन है, फाइनेंशियली काफ़ी अप एंड डाउन्स हैं, बहुत मटेरियलिस्टिक हैं आपके फैमिली, उनकी फैमिली के पर्सन की फैमिली के लोग. वो इक्वली सपोर्ट नहीं कर पा रहे आपको, इसीलिए उन्होंने आपसे ब्रेक ले लिया है. डिटैच्ड आ रही है, हर किसी की देख रहे हैं आप सब डिटैच्ड आ रही है. बेसिकली वो इग्नोर नहीं करना चाहते आपको, इसीलिए उन्होंने एक साइड होकर बैठ गए कि बार बार आना जाना, इन एंड आउट, इट्स नॉट गुड. पेनफुल जर्नी में आपके पर्सन. फाइनेंशियल स्टैंडर्ड्स मैच नहीं करते आप लोगों के आपस के, दैट्स द बिगेस्ट ट्रबल इन योर लाइफ. आपको ऐसा लग रहा है बीच में कि जो है ना, आपको लग रहा है कि मेरे बात पार्टनर क्यों बात नहीं कर रहा, क्यों वो मुझे मैसेज नहीं कर रहे, क्यों वो मुझे टाइम टू टाइम देख रहे हैं, मैसेजेस रिप्लाई नहीं कर रहे. तो बेसिकली वो अपनी फैमिली को राजामंदी करने पे लगे हुए कि दैट्स माई ट्रू लव, आई वॉन्ट मैरी विद हिम, विद हर, विद दैम, बट देर इट्स नॉट वर्किंग फॉर दैम.
थर्ड पार्टी बहुत स्ट्रांग है, कोई भी हो सकती है वो, एनीथिंग। डिटैचमेंट की बहुत ज़्यादा एनर्जी है बेसिकली आज की जनरल रीडिंग के अंदर। मैं साइंस बताऊंगी एंड में, या नहीं भी बताऊंगी तो आप अपनी एनर्जी से मैच कर लीजिएगा। बेसिकली वो ये सोच रहे हैं कि अगर वो आपसे डिटैच हो जाएंगे, क्योंकि वो आपकी बेसिकली अटेंशन चाह रहे हैं, तो दूर हो रहे हैं आपसे, कि आप उन्हें चेस जैसे हमेशा करते थे, स्टॉक करना, चेस करना, स्टॉकिंग एनर्जी कम है तो आपने छोड़ दिया, तो वो बेसिकली अटेंशन चाह रहे हैं इसलिए आपके साथ ज़्यादा कर रहे हैं। ईगो के चक्कर भी बहुत ज़्यादा है, क्यों? फैमिली में बहुत उन्होंने बात की है, बट उनकी फैमिली रजामंद नहीं हो रही है ना, अगर फैम वाइफ है तो भी रजामंद नहीं हो रही। सेकंड मैरिज वालों के लिए भी मैसेज है, ई बहुत बन रहा है, फैमिली के सामने नहीं चलती है। कल्चर नहीं बन रहा, ए मैजिक बहुत ज्यादा नजर आ रहा है मुझे, ब्लैक मैजिक, बंदिश। थर्ड पार्टी बहुत स्ट्रांग है, वो चाह रहे हैं कि वो दोनों थर्ड पार्टी को रखें, तो कोई सी एक और भी ना छोड़ें, कोई भी हो सकता है। वो लोग सोच रहे हैं और आप लोग सोच रहे हैं कि किसी ना किसी तरीके से एक ना एक दिन ये एक चीज़ें एनर्जी बेस्ट हो जाएंगी, सुधर जाएंगी आपके मामलात, दे आर थिंकिंग। इसलिए आपसे बहुत बड़ा ये नज़र आ रहा है मुझे, और आप कहते हैं कि जो आपका पास्ट है सब कुछ छोड़ के मेरे पास आ जाओ, आई विल एक्सेप्ट यू, है ना? आप लोग सोच रहे हैं आपके जो पर्सन है ना इस तरह रिश्ता में आना चाहते हैं कि आप उनसे कमिटमेंट ना मांगे, दोस्ती मांगे, मोहब्बत मांगे, टाइम मांगे, घूमना फिरना, हर चीज़ मांगे, हद तो ये कि सेक्सुअल रिलेशन भी मांगे, लेकिन वो आपसे सब मांग ले लेकिन आप कमिटमेंट ना मांगे उनसे, क्यों भाई? बिकॉज आपके प्यार में अब डिफरेंस आ गया है, आप उस तरीके से प्यार नहीं कर रहे हैं उनसे जिस तरह आप पागलों की तरह करते थे, हर चीज़ हाजिर, हर चीज़ हाजिर। अब आप भी समझदार हो गए मेरी वीडियोस देख देख के। कुछ लोगों के लिए ज़्यादा मैसेज आ रहे हैं कि जैन उनके पेरेंट्स चाहते हैं कि वो दूर हो जाएं आपसे, और पेरेंट्स और थर्ड पार्टी में बहुत बहुत पंगा है। थर्ड पार्टी से मुझे बाहर आते हुए नजर तो आ रहे हैं, बट इट्स नॉट इजी फॉर हिम। जबकि ऑब्जर्व करते हैं ये कि क्या वो हैं और क्या आप हैं, लेकिन फिर भी नहीं आ पा रहे, आंखों पे ऐसा पर्दा डाला है उन्होंने। हो सकता है मैं पार्ट टू भी बना दूं इसका, जस्ट बिकॉज कि एक में नहीं हो पाएगा ये। थ्री टू सेवन आवर में कॉन्टैक्ट, और 7 डेज मुझे कॉन्टैक्ट आता हुआ नज़र आ रहा है, मैसेज आता हुआ, फिर कम्युनिकेशन गैप मुझे मिटता हुआ नज़र आ रहा है आप लोगों का। आपका लेना इनका लेना होना मुझे बेटर नज़र आ रहा है, वो चाहते हैं अच्छा करना। इनिशिएट लेते हुए नज़र आ रहे हैं, ब्लैक मैजिक बहुत ज़्यादा याद रखिएगा। जो पेन है आपका वो आगे जाके आपको रिवॉर्ड देगा, बहुत अच्छा मुझे नजर आ रही है ये बात, आपके पैसे मुझे वापस आएंगे फॉर श्योर। उन्होंने रिलीज कर दिया है आपको उनके ऊपर, वो कोशिश कर रहे हैं कि आपको वो सबके सामने ले आए। कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, टॉरस नजर आ रहे हैं बहुत ज्यादा, स्कॉर्पियो भी है, कर्क राशि। पर आप रिसीविंग के लिए रेडी हैं, आप मोहब्बत कर रहे हैं, आप ये भी कह रहे हैं कि वो आएंगे तो मैं एक्सेप्ट कर लूंगा, बट अब आप अपना फोकस शिफ्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि जैसे मैं आपकी हर वीडियो में कहती हूँ कि आप अपने ऊपर ध्यान दें, अपने